बिजनौर में पुलिस ने एसआरएस मॉल में आतंकवादियों को पकड़ने का अभ्यास किया। इस दौरान एसआरएस को जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस तैनात खड़ी रही। जिले भर में इस दौरान तरह तरह की अफवाहें उड़ती रही। लोगों को लगा कि पुलिस ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और एक को जिंदा पकड़ लिया है। गुरुवार को दोपहर एसआरएस मॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए मॉल में पहुंची। पुलिस ने एसआरएस मॉल को चारों ओर से घेर लिया। एसपी संजीव त्यागी, एडिशनल एसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा व एसपी देहात विश्वासजीत श्रीवास्तव वैश्य अरुण कुमार के नेतृत्व में 21 थानों की पुलिस व 150 पुलिसकर्मियों ने एसआरएस मॉल में आतंकवादियों को मार गिराने का अभ्यास किया। पुलिस बल जैसे ही मॉल में घुसा तो वहां मौजूद दुकानदारों व ग्राहकों में भगदड़ मच गई। पुलिस को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। मॉल के दुकानदारों ने आतंकवादियों के मॉल में घुसे होने की खबर मॉल में आतंकवादी घुसे होने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई व्यक्ति अपने परिचित मीडिया कर्मी से बिजनौर में आतंकवादियों के बारे में फोन पर घटना की जानकारी देते रहे। भारी संख्या में लोग मॉल के सामने शक्ति चौक पर जमा हो गए और पुलिसकर्मियों को देखते रहे। मीडिया कर्मियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मॉल में नहीं घुस सका। पुलिस ने किसी को अपने पास नहीं भटकने दिया। मीडिया कर्मियों द्वारा जब लोगों को पता चला कि मॉल में आतंकवादी नहीं है बल्कि पुलिस आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अभ्यास करने के लिए मॉल में आई है तब जाकर लोगों में राहत की सांस आई। जनपद बिजनौर की पुलिस टीम को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करवाई गई है। आज ये मॉक ड्रिल करवाई गई है। एसआरएस मॉल में कुछ उपद्रवी ओप्पो मॉल ओप्पो की एक दुकान के अंदर घुस गए थे। कुछ लोगों को उन्होंने घुसपैठ बनाया। इसकी सूचना जैसे ही सेट के माध्यम से जनपद के अधिकारियों को मिली तमाम टीमें मोबिलाइज करवाई गई। मॉल को आइसोलेट करा गया। यहाँ पे टीमों को ब्रीफ करके ऑपरेट करवाया गया और जो उपद्रवी अंदर थे उनमें से कुछ लोग घायल हुए और बाकियों को हिरासत में लेके थाने भेजा गया है। इस पूरे ऑपरेशन में जो कमियां रही हैं उन पर भी चर्चा करके भविष्य में सुधार के लिए सभी को बताया गया है। डीब्रीफिंग करवा दी गई है और इस तरह के मॉक ड्रिल्स हमारे जनपद में लगातार जारी रहेंगे। पुलिस टीम को हम अभ्यास करवा रहे हैं किसी भी आपात स्थिति में। अयोध्या का जो निर्णय आने वाला था उसको लेकर ये इस तरह का किया गया है। देखिए पुलिस की ट्रेनिंग जो है एक सतत प्रक्रिया है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कई तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी बात को लेकर हो सकती है। ज़रूरी कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं है कि उसको लेके हो। इस तरह की स्थिति हमारे प्रोफेशनल कैरियर में कभी भी कहीं भी आ सकती है। उन सभी को निपटने के लिए हमारा हमेशा तत्परता तैयार रहना ज़रूरी है और उसी की तैयारी आज है करवाई गई।